नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ ऋषभ। आपको स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। और आज ये देखिए, ये सेम की फलियाँ जो मैंने लगाया था, करीबन ठंडियों में लगाया था मैंने, थोड़ा सा मेरा लेट लगा था। और इसमें खूब ढेर सारे सेम आ रहे हैं। सेम की छोटी छोटी पौधे मैंने लगाया था, इसको मैंने सीड से ग्रो किया था। आप भी अगर ग्रो करना चाहें तो लगा सकते हैं। ये मेरे सेम के फल देखिए, फल भी बहुत ज़्यादा आए हैं और अभी तो आ ही रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। फल इस पे खूब ढेर सारे आए हैं। ये मैंने ज़मीन में लगा रखा है। ज़मीन में लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कंटेनर में भी लगा सकते हैं। इसको 20 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। इससे पहले जब मैं लगाता था तो ग्रो बैग में ही लगाता था, उसमें भी मैंने हार्वेस्टिंग का वीडियो डाला है। बहुत ढेर सारा हार्वेस्टिंग मैंने की है उससे। तो ये सारा जो है क्रेडिट, वो सब जाता है। ये देखिए, अभी मैंने जंद एक पौधे से भी नहीं तोड़ा, और लाइन से लगे हुए हैं बाउंड्रीज पे, पूरे लाइन से लगे हुए हैं, और मैंने एक तोड़ा। और ये देखिए, थोड़े से में मुझे इतने सारे सेम मिल गए। ये देखिए, और ये इसे लाइन से लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश हैं। आप ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। सेम जो है ना, ये बिल्कुल फ्रेश आपको सेम मिलेंगे। अभी और ज़्यादा इधर लगे हुए हैं, मैं तोड़ता हूँ। ये देखिए, इसको प्रॉपर सनलाइट पसंद है, इसको विल्डन सॉइल पसंद है, साथ पानी रुकना नहीं चाहिए इसके जड़ों में। और खूब ढेर सारे इसमें फल आते रहेंगे। फल का साइज़ आप इतने पे ही तोड़ ले तो ज़्यादा सही है। और इसमें फ्लावरिंग आ रही है, फ्रूटिंग भी भगवान करे तो आएगी। फ्रूटिंग तो अभी आ ही रही है, फ्रूटिंग तो अभी आ रही है। और जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप इसको तोड़ते रहिए। जितना ज़्यादा तोड़ेंगे आप, इसमें फ्लावर और भी अच्छे आएंगे, फ्रूट्स भी अच्छे आएंगे। ये मैंने लगाया था प्लांट्स, इधर देखिए। ये मैंने एनुअल क्रायसैंथेमम लाइन से लगे हुए हैं, आप देखिए चारों तरफ। ये रही मेरी हार्वेस्टिंग की वीडियो। अगर इसके बारे में आप अपडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।